नमस्कार, मैं राकेश भारती सेन आपका स्वागत करता हूं और इस समय मैं खड़ा हूं सिरसा के शहीद आज़म भगत सिंह स्टेडियम के अंदर, जहां किसानों का जो धरना है वो पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। और यहां पर एक किसान नेता आए हुए हैं जींद से, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय दीजिए जी पहले तो। पहले तो आपका जी धरने पाने का मोर्चा ने उसका स्वागत है। परिचय मेरा जिला जींद है, रामराज जी नाम है, जिला प्रवेशता जींद। क्या 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 कहना चाहेंगे आप इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है पिछले दिनों से पूरे देश में 3 अध्यादेशों को लेकर? ये जो 3 काले कानून बोल रहे हैं जिस पर माँ बाप चढ़ा हुआ अपने देश में, ये आज के नहीं है। ये जो राजनेता है 1993 में इनकी मन बना लिया था, तो उसके बाद फिर जो मैं दसिन टिके था अपने नाम सुने हैं उसके साथ 3 लाख किसान जंतर मंत्र पर गए थे और वहाँ फिर वापस ले लिए थे। उसके बाद जींद 21 मार्च 1999 को जहाँ देवलाल की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उस ग्राउंड में 1.5 लाख किसान इकट्ठे हुए थे और वहाँ महेंद्र सिंह टिकेत आए हुए थे जींद में। और उसके साथ साथ ही यूरोप के 3 देशों के किसान आए थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के 12 किसान वहाँ जींद मौजूद थे। उन ये बोल लिया ये जो 3 कानून है वहाँ लागू करें थे, उन नोंदा दिया कि कुछ किसान इंडिया के वहाँ आने चाहिए। उसके बाद सटे भी नम है 21 तारीख को 550 किसान महेंद्र सिंह टिकेत की अध्यक्षता में यूरोप के 11 देशों में एक भिन्न तक प्रदर्शन किया था। उनका मेन दफ्तर था जनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो वहाँ 10 किलोमीटर का मतलब जुलूस था और वहाँ महेंद्र सिंह टिकेत की गिरफ्तारी भी हुई थी एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद रामराजी जी। तो रामराजी जी ये कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे कि यह जो 3 विधेयक हैं ये आज से नहीं है बल्कि देश की आज़ादी के बाद से ही इन कानूनों को लागू करने की कहीं ना कहीं सभी सरकारों ने कोशिश की है, लेकिन महेंद्र सिंह टिकेत जैसे दमदार नेता और किसानों की एकजुटता की वजह से यह जो विधेयक हैं अभी तक इस देश में लागू नहीं हो पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन विधेयकों को अध्यादेश के रूप में देश के ऊपर थोपने का प्रयास किया है, जिसका विरोध ये किसान लगातार कर रहे हैं। और महेंद्र सिंह टिकेत जैसे दमदार नेता की और वैसी ही किसान एकजुटता की ज़रूरत इस आंदोलन में भी पड़ रही है और बहुत से नेता यहाँ उभर कर भी सामने आ रहे हैं और किसान लगातार इस मुद्दे के ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लग नहीं रहा है कि वो सरकार की इस जिद के आगे कहीं भी झुकने को तैयार हैं। कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं राकेश भारती सेन सिरसा।